सो हे गाइस सर, वेलकम बैक अगेन तुम सभी का एक और नई वीडियो में। जरूर अपन लोग बात करने वाले हैं अज्जू 0008 और रजनी चौधरी की कंट्रोवर्सी के बारे में। हाँ, क्योंकि आप ये सही गलत की लड़ाई एक कंट्रोवर्सी ही बनती जा रही है। अब देखो, अगर कोई भी क्रिएटर या फिर कोई भी इंसान हो, अगर वो किसी चीज के ऊपर अपने एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता है, तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि उस क्रिएटर को उस चीज को देखकर या सुनकर मैनिपुलेट नहीं होना चाहिए। कल जब रजनी चौधरी ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की जिसमें कि अज्जू 0008 की भाभी ने उस पर कई इल्जाम लगाए और अपने बीमार बच्चे की वीडियोस वगैरह दिखाए, तो वो सब देखने के बाद तुम लोग कह सकते हो कि एक तरफ तो लोगों ने इमोशनल होके और मैंने खुद ने भी अज्जू 0008 को टारगेट करते हुए वीडियोस बनाने शुरू कर दी, क्योंकि तब तक अज्जू 0008 की तरफ से भी कोई रिप्लाई या रिएक्शन नहीं आया था। भाई पहले तो सभी भाई को राम राम। देखो मुझे पता आप मुझे गाली दे रहे हो, कुछ वीडियोस आई मेरे खिलाफ, मेरी फैमिली के खिलाफ। अब देखो, रजनी चौधरी की वीडियो देखने तक हम लोगों को जो चीजें सही लग रही थी, हमने सिर्फ उन्हीं चीजों को सपोर्ट किया। लेकिन अब अज्जू 0008 ने भी इन सब चीजों के ऊपर अपने एक रिप्लाई वीडियो बनाई है, तो वो वीडियो देखने के बाद अब हम इमोशनली नहीं बल्कि लॉजिकली होकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। तो रजनी चौधरी की वीडियो में अज्जू की भाभी ने उस पर बहुत सारे इल्जाम लगाए थे, जिसमें से एक इल्जाम था कि अज्जू और उसके फैमिली वालों ने उनके बीमार बच्चे का ठीक से इलाज नहीं करवाया या फिर इलाज के लिए पूरे पैसा खर्च नहीं किए। इन लोगों ने क्या किया कि बच्चा तो मेंटल है, इल है, फलाना ढमकाना। ये लोग 6-7 दिन के बाद बच्चे के बारे में पल्ला झाड़ के चले गए। मेरे पापा बेचारे, मेरे पापा, हमारा भाई इतना हिसाब नहीं है कि हम फोर्टिस का बिल भर सकें, फिर भी मेरे पापा ने ले दे के बच्चे को वहाँ ठीक करवाया, बच्चे का ट्रीटमेंट करवाया जितना, जब तक बच्चा वहाँ एडमिट था। हाँ, तो इसी बात का रिप्लाई करते हुए या फिर तुम बोल सकते हो गलत प्रूफ करने के लिए अज्जू 0008 ने अपनी वीडियो में एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई। मेरा फोन किया है तो दक्ष भैया अज्जी आ रहे हैं। नहीं नहीं, मैंने तुझे कहते मेरे लिए भेज सका है, यहाँ एम्बुलेंस लेके मैं बच्चा नहीं भेजूंगी भाई। भाभी एक बार चेक तो करना पड़ेगा ना बच्चे। नहीं, 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 अरे चेक है ना मेरा बच्चा, मैंने बात की है डॉक्टर से अपने से। नहीं, आप कह रहे थे ना तबियत खराब है इसलिए फिर हमने करवाई कॉल। जब मैं भी डर गई थी जब एकदम उन्होंने बोला, अब मुझे पता लगा कि बच्चा जो पैदा होता है उसका फंक्शन, जो उसके बॉडी पार्ट होते हैं धीरे धीरे फंक्शन स्टार्ट होते हैं उनके। अच्छा। कई बच्चों के, किसी के फेफड़े मतलब कमजोर होते हैं, वो धीरे धीरे अपने प्रोसेस पे आते हैं। इसके बाद अज्जू की भाभी ने एक और इल्जाम लगाया था कि उनके साथ मारपीट हुई है। जी 0008 की भाभी हूँ मैं और मेरा नाम रीना है। उनके सबसे बड़े भाई सुबे सिंह की वाइफ हूँ जो एक्सपायर हो चुके हैं। इन्होंने मेरे पति की डेथ के बाद मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया और ये सब चीजों में सारे फैमिली वाले थे। अज्जू 0008 और उसकी गर्लफ्रेंड भी साथ में थी। तो अपनी भाभी की इस बात को गलत प्रूफ करने के लिए अज्जू 0008 ने अपनी भाभी के साथ की एक और कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई। सुन मेरी बात, तुम्हारी आज तक पूछा, हाथ लगाया मैंने अज्जू की भाभी के पापा अपनी बेटी को वापस घर में लेने के लिए अज्जू के घर में पंचायत लेकर गए थे, तो अज्जू और उसके परिवार वालों ने इनके साथ मारपीट करी थी। कि जब मेरे पापा उसके बाद पंचायत लेकर गए वहाँ कि भाई अब तो मेरी बेटियों को घुसने दो, अब तो बच्चा थोड़ा ठीक हो गया, आगे का ट्रीटमेंट तुम करा देना, तो उसके बाद अज्जू, इसके भाई, इसकी पूरी फैमिली ने मेरे पापा और पूरी पंचायत पर लाठी चार्ज कर दिया इन लोगों ने। और फिर इसके रिप्लाई में भी अर्जुन ने अपनी वीडियो में एक वीडियो प्रूफ दिखाया। जब भाई हमारा झगड़ा हुआ, इसके प्रीना के पापा ने मेरे को यहाँ पे घुसा मारा बहुत बुरी तरह, इनके सारे बंदे बहने हिमांशु राशु के गुथे, ठीक है भाई, चोट उनको भी आई, चोट हमको भी आई भाई। मेरे पापा भी हाथ उठा सकते थे, मेरे भाई भी गए थे, इन लोगों ने मेरे भाई को भी मारा, पर मेरे भाई और मेरे पापा और सभी लोगों ने सोचा कि बेटी का घर बर्बाद हो जाएगा। देखो ये देख रहे हो हाथ आशीर्वाद भाई, ये देखो और हिमांशु का पैर देखो कितनी बुरी तरह, और भाई यहाँ ये देखो फेस पे, देखो ये फेस देखो, हाथ पूरा खुनम खाल हो रखा और मेरा फेस देख रहे यहाँ पे घर में आके गुस्के मारा भाई घर में, और 20-25 बच्चे थे टोटल के टोटल जो बंदे थे 20-25। और अब ऐसी बहुत सी बातें तुम लोगों को रजनी चौधरी और अज्जू की वीडियोस में देखने को मिल जाएगी, तुम लोग इनकी वीडियोस में जाकर देख भी सकते हो, जहाँ पर कि दोनों लोग एक दूसरे को गलत बताने पर लगे हुए हैं। और अब इन्हीं से भी चक्कर में यूट्यूब पर कोई सही या गलत निकले या ना निकले, लेकिन ऑडियंस का अच्छा खासा टाइम पास और चूतिया कटा जा रहा है। और रजनी चौधरी की वीडियो देखने के बाद अज्जू को गाली दे रहे और अज्जू की वीडियो को देखने के बाद रजनी चौधरी को, और आगे भी अगर यूट्यूब पर एक दूसरे के खिलाफ ऐसी वीडियोस लाते रहे ना तो आगे भी ऐसे ही चलने वाला है, फिर ये सही गलत की लड़ाई यूट्यूब के कंट्रोवर्सी में बदल जाएगी। वेल डन यार, ये सब हरकतें देखने के बाद लग रहा है ना कि यूट्यूबर के साथ बड़ी अजीब सी चीजें हो रही है। यूट्यूबरों की जो परेशानियां यूट्यूबर सुलझनी चाहिए थी, तो वो लीगल नोटिस और मारपीट के चक्कर में पुलिस केस और कोर्ट में सुलझ रही है, और जो घरेलू हिंसा के मामले अदालत में सुलझाने चाहिए थे उन्हें सुलझाने के लिए यूट्यूब का सहारा लिया जा रहा है। कहने का मतलब सिर्फ यही यार कि इन सब चीजों के लिए यूट्यूब का नहीं बल्कि कानून का सहारा लो, जिससे कि तुम्हें मदद मिल भी सके। तो चलो यार, बस इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब अगर तुम लोगों को वीडियो सही लगी तो ठीक है, और नहीं लगी तो भाई वो तुम्हारी सोच है। तो चलो यार, फिर अपन लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।